Karan, I really think हमें backup team का wait करना चाहिए. नामी, मौसम बहुत खराब था. हो सकता है और खराब हो गया. ऐसे में backup team को यहाँ तक पहुँचने में वक्त लग सकता है. ऐसे बैठे नहीं रह सकते. कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. हाँ पर तुम्हारा ऐसे यहाँ पे खोदना बहुत रिस्की हो सकता है घर. देखो नामी, रिस्क तो, लेकिन उससे बड़ा रिस्क है ऐसे ही बैठे रहना. मौसम खराब है, रात जैसी बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर और गिरता रहेगा. ऐसे में कुछ करते रहना बहुत जरूरी है. मनामी तुम ठीक तो? I'm fine. मनामी को ठंड लग रही है. मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा. करण का फोन भी नहीं लग रहा है. पता नहीं कहाँ है. ये लोग यहाँ? डॉक्टर अनिश, अरे क्या हुआ? और करण कहाँ है? करण वहाँ यार साइड पे फंसा हुआ है. साइड? कौन सी साइड? उधर एक पतला सा केव जैसा साइड है. वहाँ कुछ लोग फंसे हुए थे. करण उन्हें बचाने गया और वही अंदर फंस गया. मैंने उसे बचाने की कोशिश की पर मैं बचा नहीं पाया. मुझे बहुत सारी चोटें आई हैं. मैंने बैकअप टीम को भी कॉल किया पर तो मौसम खराब होने के कारण कोई आया नहीं. हम बात करते हैं इनसे. हमें जाने देने के लिए वहाँ पे. वैसे यार मुझे करण की बहुत टेंशन हो रही है. वहाँ फंसा हुआ है यार. उसे प्लीज बचा लो तुम लोग. और मोनामी? मोनामी क्या हुआ? मोनामी को वो तो एकेडमी चली गई थी ना तुम लोग के साथ. नहीं, वो जीप से उतर गई थी. बोली तुम्हारे और करण के साथ आ जाएगी. कहाँ है वो? ये मोनामी कहाँ चली गई? कहीं करण के साथ साथ मोनामी मेरी वजह से फंस तो नहीं गई? Are you okay? Feeling better? सब कुछ भीग चुका है. कर मुझे हाइपोथर्मिया हो सकता है. मतलब ज्यादा ठंड की वजह से जब बेहोश हो जाता है इंसान तो हाइपोथर्मिया कहते हैं. मोनामी कुछ नहीं होगा तुम्हें. बैग में शायद ब्रांडी. ब्रांडी से तुम्हें ठंड से आराम मिलेगा. मोनामी ब्रांडी पियो प्लीज. RPF रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट. ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. इनके पास गोला बारूद हथियार मॉडर्न वेपन्स सब कुछ. 2 साल पहले करण और इसके यूनिट ने इस ऑर्गेनाइजेशन को करीब करीब नेस्तनाबूद कर दिया था.
बट अनफॉर्चुनेटली इनका लीडर केपी कनु पांड्या बच गया, भागने में सफल हो गया था। दो साल से सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ रही हैं इसे, लेकिन इसका कहीं कुछ पता नहीं। ये इतना शातिर है, कभी कभी तो इसके अपने लोग तक नहीं जानते कि ये कहां है। बहुत ही वायलेंट इंसान है, किसी की जान लेने से पहले पलक भी नहीं झपकाता। इंटेलिजेंस से टिप मिली है कि कनु पांड्या ने अपनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फिर से स्ट्रांग बना लिया है और ये हमारी पराक्रम एसएफ एकेडमी पर अटैक प्लान कर रहे हैं और ये अटैक पूरे देश में फैली हुई हमारी किसी भी मिनट हो सकता है। सर, अटैक कब प्लान कर रहे हैं इसके बारे में इन्फो है हमारे पास? मेरे हिसाब से यह अटैक 26 जनवरी के आसपास होगा। जब हमारी अकेडमी में लोग 26 जनवरी का जलसा बना रहे हो, करण इज राइट, ये लोग अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए ऐसा ही कोई खास दिन चुनते हैं। जिस दिन पे देश को गर्व है, ये उसी दिन हमारा सर झुकाना चाहते हैं। पर ना तो हमारा सर झुकेगा, ना हिंदुस्तान का। आई प्रॉमिस यू सर, ये अटैक सक्सेसफुल नहीं होता। सर, हमें लगता है कि गणतंत्र दिवस के जलसे को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते सर। नो, वैसे वीआईपी इनवाइट्स जा चुके हैं, वैसे भी इनके अटैक के डर से हम बैकआउट नहीं कर सकते। हमने 26 जनवरी की तैयारी भी शुरू कर दी है सर। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? अटैक कैसे ऑपरेट करने वाले? एनी आईडिया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.